पहले ब्लूटूथ डिवाइस को पैनल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम मोबाइल में ब्लूटूथ के ऑप्शन में जाएंगे, पेयर न्यू डिवाइस पर टैप करेंगे। यहाँ पैनल की आईडी SLAKPANSI के नाम से शो हो रही है, इसको सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड टैप करेंगे 1 2 3 4 और ओके पर टैप करेंगे। ब्लूटूथ डिवाइस और पैनल आपस में पेयर हो चुके हैं। मोबाइल ऐप ओपन करेंगे। यहाँ 3 मेन्यू ऑप्शन हैं जिनकी मदद से आप तारीख और वक्त सेट कर सकते हैं और जमात सालाना और जमात इख्तियारी भी सेट कर सकते हैं। सेटिंग करने से पहले हम कनेक्ट पर टैप करेंगे और पैनल की आईडी सेलेक्ट करेंगे ताकि पैनल और मोबाइल आपस में कनेक्ट हो जाए। पहले हम बात करेंगे वक्त और तारीख की सेटिंग की, यानी आप यहाँ से 12 या 24 आवर फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, तारीख सेट कर सकते हैं, DST यानी डे लाइट सेविंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साइन पर टैप करें तो आप पैनल में देख सकते हैं कि टाइम अपडेट लिखा नजर आ रहा है, यानी वक्त और तारीख पैनल में अपडेट हो चुकी है। अब हम टैप करेंगे जमात मैनुअली पर, यानी आप इख्तियारी तौर पर भी जमात के औकात सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फजर की जमात का वक्त सेट करने के लिए एडिट के आइकन पर टैप करें और तारीख सेट करें। इसके बाद वक्त सेट करने के लिए एडिट के आइकन पर टैप करें और जमात का वक्त सेट कर दें। इसी तरह आप असर और इशा की जमात का वक्त सेट करें और साइन पर टैप करें। पैनल में आपको मैनुअल अपडेट लिखा नजर आएगा, यानी पैनल में जमात के औकात अपडेट हो चुके हैं।